अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएफ किचन। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल कच्चे कीमे के कबाब। इसे आप इफ्तारी में आसानी से और झटपट बना सकते हो। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मटन कीमा ले लिए, इसे अच्छे से वॉश करके इसको मिक्सी में डाल के और बारीक पीस लेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। अब इसके अंदर एक चम्मच दरदरा कुटा हुआ हरी मिर्ची का डाल देंगे। अब इसमें पाउडर मसाले डाल देंगे, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच हल्दी। और आपके पास अगर हरा धनिया दरदरा पिसा हुआ है तो वो भी इसमें डाल सकते हो। अब सारे मसाले को कीमे में डाल देंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसके अंदर हम सॉल्ट डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, पहले भी हमने इसमें काला नमक डाला है। अब इसमें हम एक अंडा फोड़कर डाल देंगे। अब अंडा डालने के बाद इसके अंदर दो चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो इसमें आप बेसन भी दो चम्मच डाल सकते हो या गेहूं का आटा भी डाल सकते हो। अब आधा नींबू का जूस डाल देंगे। अच्छे से निचोड़ के सारी बीजें निकाल के हमें नींबू का जूस डाल देना है। अब सारे मसाले हमने डाल चुके हैं, अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मसाला और कीमा को अच्छे से हाथों से प्रेस कर करके मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसके अंदर लास्ट में हम हरा धनिया बारीक कट करके डाल देंगे। अगर इसमें आप कांदा पत्ती डालना चाहते हो तो उसे भी बारीक कट करके डाल सकते हो। अभी हरे धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अभी इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए हम रख देंगे। आधे घंटे बाद एक कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके अंदर हमारे कीमे के कबाब छोड़ देंगे। हाथों से हल्का सा गोल करके और प्रेस करके इसे हमें कबाब के शेप में फ्राई कर लेना है। तेल अच्छा हमारा गर्म होना चाहिए और गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे कि कबाब अच्छे से अंदर से गल जाए। इसे एक सेकंड के लिए पहले तेल में सेट करेंगे और उसके बाद चम्मच मारेंगे, नहीं तो ये फूट सकते। अभी कबाब को अच्छे से हम चम्मच मार के हल्के हाथों से ऊपर नीचे करके फ्राई करेंगे, पर गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे। अभी अच्छे से लाल हो चुके हैं और रेडी भी हो चुके हैं। अभी इसे साइड में एक प्लेट में निकाल देंगे और ऐसा ही करके सारे कबाब को हमें फ्राई कर लेना है। ये एकदम सिंपल सी रेसिपी है, अगर आपके पास टाइम कम हो तो ये रमज़ान में आप झटपट बना के रेडी कर सकते हो। ऊपर से बारीक कट करके हरा धनिया और हल्का सा चाट मसाला डाल के हम सर्व करेंगे। अगर आप भी ये रेसिपी को मेरी तरीके से बनाएंगे तो आपके कबाब भी सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।